प्रिया धीर रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के बोलपुर और बीरभूम में अमित शाह का रोड शो। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बोले, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान नहीं दलाल हैं। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, हमने कोरोना के आंकड़े को लेकर बढ़ती पारदर्शिता, स्थिति नियंत्रण में है। अफगानिस्तान के काबुल में विस्फोट, 9 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। अन्ना हजारे का ऐलान, किसानों के समर्थन में दिल्ली में करेंगे आंदोलन, रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट की तैयारी। दिल्ली में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलेंगे सचिन पायलट, राजनीतिक नियुक्तियों पर होगी चर्चा। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोली, पीएम ओली ने संसद भंग का फैसला जल्दबाजी में लिया, नहीं होगा लागू। नेपाल के पीएम ओली के संसद भंग करने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दी मंजूरी। तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन 23 दिसंबर से शुरू करेंगे चुनावी अभियान, विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीट जीतने का मिशन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,624 नए मामले आए सामने, 341 मरीजों की हुई मौत। बंगाल के नदिया में दीवार पर लिखा, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदी बहेगी। आंदोलन पर कैथल के बीजेपी विधायक लीला राम बोले, दिल्ली में किसान नहीं खालिस्तान, जिंदाबाद वाले बैठे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में 16,11,98,195 कोरोना सैंपल का हुआ टेस्ट। विधानसभा चुनाव में हर महीने बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी में कमजोर पड़ा कोरोना वायरस का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 1,226 नए मरीज मिले। शिवपाल यादव का ऐलान, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में 2022 में किसी से नहीं करेगी अलायंस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम कोरोना के एक्टिव केस। पटना में एसके सिंघल होंगे बिहार पुलिस के नए महानिदेशक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।